हाय फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसी के इंडोर को अनइंस्टॉल करना। तो आप जो देख रहे हैं एसी का इंडोर है, हमने इसको जो है अनइंस्टॉल करना है। तो इसके लिए जो है, अगर आउटडोर अनइंस्टॉल किस तरह से किया जाता है, अगर आप मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इससे पहले एक जो मैंने वीडियो डाली है तो आप उसके अंदर जो है देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम जो है आपको इंडोर को अनइंस्टॉल करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड, जैसा आप देख रहे हैं डिप्टी सिंह है जो कि इंडोर को अनइंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले जो है एसी के इंडोर का जो कवर होता है, हमने उसको जो है रिमूव कर लेना है। इसके बाद में जो है दोनों फिल्टरों को रिमूव कर लेना है। और इसके बाद में जो है आप देख रहे हैं एसी का जो इंडोर की जो पैनल होता है, इसके अंदर जो यहाँ पे तीन वायर्स लगे होते हैं, हमने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया है। इन तीनों वायरों को रिमूव करके हटा दें। और इसके बाद में जो है एसी के जो दो पाइपें लगी होती है डिस्चार्ज और सेक्शन, उसके लिए जो हमने है इंडोर को थोड़ा लॉक खोल कर ऊपर की तरफ उठा देना है। और नीचे जो आप दो पाइपें देख रहे हैं, और हमने यहाँ पे जो है प्लास की सपोर्ट लगाकर इंडोर को थोड़ा दीवार से दूर कर लेना है। तो इसके बाद में जो नीचे आप दो पाइपें देख रहे हैं, इन दोनों पाइपों को जो है दोनों पाइपों के नटों को खोलकर अलग कर देना है, जिससे कि जो सेक्शन और डिस्चार्ज दोनों पाइपें हैं वो इंडोर से अलग हो जाएगी। तो इसके लिए जो हमने गैस को स्टोरेज किया था आउटडोर के अंदर, अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने जो है पिछले कल ही वीडियो डाला था, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं जो डिप्टी सिंह ने दोनों पाइपों को जो है नटों को खोल दिया है और दोनों पाइपों को अलग अलग कर देंगे। तो इसके बाद में जो है पीछे एक वाटर पाइप भी लगी होती है, तो आप जो देख रहे हैं वाटर पाइप भी लगी हुई है, उस वाटर पाइप को भी हटा देंगे। तो जिससे जो है एसी का इंडोर है जो पूरी तरह से कट जाएगा, और उसके बाद में जो है हमने इसे रिमूव करना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो जैसा कि दोनों पाइपें जो है अलग अलग कर दी गई हैं, अब हमने जो है एसी के इंडोर को वाटर पाइप को जो है खोल कर अलग कर देना है। और अब हमने जो है इंडोर को हमने अलग कर दिया है पूरी तरीके से, और इसको जो है थोड़ा सा ऊपर उठाकर लॉक में से निकाल कर और जो है इंडोर को हटा देंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं इंडोर को जो है अलग कर दिया है, और अब जो इंडोर का जो स्टैंड है उसके सभी पेचों को खोलकर अलग कर देंगे। और जो पाइपिंग देख रहे हैं आप, इन दोनों पाइपों को जो है हमने आउटडोर की तरफ से बाहर की तरफ खींच लेना है, तो जो पूरा एसी है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।